ओके क्या सीन है यार, देखो दूर दूर तक हरा हरा, क्या बात है, वाह। ये हम लोग का खानदानी काम है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी काम हम लोग का चल रहा है। ये देखो यहाँ पे भट्टी लगाई जा रही है, लगा किस तरीके से लगाते हैं। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, होप करता हूँ आप सब अच्छे हो गए। दोस्तों अभी मैं हूँ गोरखपुर में और मैं उत्तराखंड से गोरखपुर आ गया और आज हम जा रहे हैं यहाँ पे गोरखपुर में, एक बहुत ही फेमस गांव है जो अपने टेराकोटा स्कल्पचर के लिए बहुत फेमस है, तो हम वहाँ जाने वाले हैं और आपको दिखाते हैं कैसी जगह है, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, ये सामने दिख रहा है यहाँ से ये, और बहुत बड़ा है ये, काफ़ी एरिया में बना हुआ है ये, तो यहाँ से इसका मेन गेट है ये। और अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे, कितना किलोमीटर और आगे जाना होगा हमें, तो 4 किलोमीटर यहाँ से और जाना है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन से औरंगाबाद गांव का डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर के आसपास होगा। तो दोस्तों अभी हम गुलहरिया बाज़ार चौराहे से लेफ्ट साइड को अंदर कटे हैं, हमने किसी से पूछा, उन्होंने कहा कि यहां से अंदर जाके है गांव, तो देखते हैं, बट पता नहीं, मुझे तो डाउट ही लग रहा है कि हम सही जा रहे हैं, लेकिन बट आगे जाके देखते हैं, जैसा भी होता है। यहाँ किसी से पूछना पड़ेगा, किसी से पूछो यार, भैया यहाँ पे वो टेराकोटा गांव जो है औरंगाबाद, वो गांव कहाँ है, यहाँ से अंदर जाएगा, जाएगा। अच्छा चलिए ठीक, ओके ओके, तो इन्होंने हमें बताया कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे जाके मिलेगा वो गांव, काफ़ी अंदर है यार, पता नहीं कौन कह रहा था कि रोड पे ही है, हाईवे पे जाते ही। ब्रेकर तो बहुत ही हैवी हैवी बना रखा है, बाप रे। अरे फिर से पूछना पड़ेगा क्या किसी से, बाबा औरंगाबाद गांव सीधे इधर इधर बाएं, अच्छा ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है, सीधे सीधे। ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ खेतों में जा रहे हैं। अब भाई औरंगाबाद गांव, अच्छा इधर से जाना है, हाँ ठीक है चल। काफी अंदर है यार, बिना पूछे तो आदमी पहुंचेगा इधर। हम लोग उधर से आए ना, अच्छा हम गलत रास्ते से आ गए क्या, हम दूसरे रास्ते से आ गए इसके लिए, और दूसरा रास्ता। क्या सीन है यार, देखो दूर दूर तक हरा हरा, क्या बात है, वाह मज़ेदार। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए औरंगाबाद गांव, और अभी एक हम यहां गांव में एक लोग के घर पे रुके, देखो कितने सारे स्कल्पचर यहां पे बना रहे हैं, मैं दिखाता हूं आपको, और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए अभी भी काम चल रहा है, यहाँ पे काम कर रहे हैं, और यहाँ देखो कितने सारे बना रखे हैं, कितना खूबसूरत खूबसूरत काम कर रखा है, ये देखो क्या बात है। तो ये गांव कितना बड़ा, अभी अंदर भी है या, अच्छा मतलब ये काफ़ी एरिया में, अच्छा 10-12 घर ही हैं पूरा, और सभी लोग काम करते हैं ऐसा। दोस्तों अभी हम यहाँ से थोड़ा आगे जा रहे हैं और दिखाता हूँ मैं आपको, वहाँ पे बता रहे हैं कि अभी भट्टी भी लगाई जा रही है और पकाने का प्रोसेस कैसे होता है और कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेगी। वो गवर्नमेंट के थ्रू कोई वर्कशॉप बनाया गया है,
तो यहाँ पे बहुत सारे लोग वर्क करते रहते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यार। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे। मैं पहले बहुत पहले सुना था, मतलब कि यहाँ पे आसपास में ही है कहीं, बट कभी आ नहीं पा रहा था। और आज मौका मिला है हमें यहाँ आने का और आपको दिखाता हूँ। तो इतनी सुंदर सुंदर डिज़ाइन, ऐसे सजाने की चीज़ें और देवी देवताओं की मूर्तियाँ, पूजा पाठ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। और देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए क्या बात है, कितने सारी। ये पका दिए गए हैं या पकाए जा रहे हैं अभी? अच्छा, अभी ये कलर कर रहे हैं। तो ये कलर कौन सा यूज़ करते हैं? अच्छा, मिट्टी से ही कलर कर रहे हैं। ये मिट्टी हर जगह नहीं रहता है। अच्छा, तो ये मिट्टी मिलती कहाँ से है? ये मिट्टी मिलती है। तो ये गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया वर्कशॉप है? हाँ। ओके, तो ये भट्टी भट्टी कहाँ लगा रहे हैं? तो दोस्तों ये देखो, मतलब ये वर्कशॉप बनाया गया है गवर्नमेंट के थ्रू पे। नमस्कार। नमस्कार, आप थोड़ा बताएंगे मुझे इस स्कल्पचर के बारे में? जी आएगा उतना बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, जरूर। ये जगह जमीन जो है हम लोग का है। अच्छा, जो है और सेट। अच्छा, बना कर दिया है। ये मकान बनाया गवर्नमेंट ने, बाकी स्पेस आपका है। हाँ। अच्छा, तो ये कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? ये हम लोग का खानदानी काम है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी काम हम लोग का चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, हमारे पिताजी करते थे, पिताजी के पिताजी करते थे। ओके, अच्छा, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए जा रहे हैं। वाह। तो ये मिट्टी कोई स्पेशल अलग मिट्टी होती है यहाँ के लिए? तो स्पेशल ही मिट्टी है, चिकनी मिट्टी बोलते हैं इसको। अच्छा, चिकनी मिट्टी। तो ये मतलब कैसे, तालाब वालाब से कहाँ से लाते हैं? पीछे तालाब है। हाँ हाँ, तालाब में से मिलता है। अच्छा, तो अभी भट्टी किधर लगाई जा रही है? हाँ, जिसका माल रेडी है वो अपना भट्टी लगा रहा है। अच्छा, तो सब लोग अपना अलग अलग भट्टी लगाते हैं। तो दोस्तों ये देखो, यहाँ पे भट्टी लगाई जा रही है। लगा किस तरीके से लगाते हैं, पहले पूरे नीचे ऐसे उपले बिछा रखे हैं और ये पूरा ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि कोयला वगैरह ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक कुछ ऐसा यूज़ नहीं होता। ये पूरा प्रॉपर पुराने तरीके से ही बनाया जाता है। और ये देखिए सारे, कितने सारे उपले, इसे उपले कहेंगे, कंडा भी कहते हैं, बहुत सारी जगहों पर अलग अलग नाम होते हैं। तो इसी से पूरा भट्टी बना, आग लगाई जाती है ना, इसी में पकाया जाता है सारा। तो कितने देर में पक के तैयार हो जाता है? 24 घंटा वो आग के अंदर रहता है। आग के अंदर रहेगा। तो इसमें कोई कलर वालर करते हैं या नेचुरल कलर है? ये नेचुरल का, ये मिट्टी कलर है, यही कलर होता है। अच्छा, ये कलर होता है, इसके बाद इस भट्टी में जाएगा, रेड कलर हो जाएगा उस कलर का। ओके, तो ये इसके ऊपर जो ये दिख रहे हैं, ये मिट्टी से ही कलर बनाए गए हैं? हाँ, मिट्टी का, आम का छिलका। अच्छा, और पीली मिट्टी और खारा सोडा। अच्छा, आम का छिलका, पीली मिट्टी और खारा सोडा, तीनों को मिक्स करके फिर ये मिट्टी में घोला है। ओके, सुखाना पड़ता है धूप में, फिर सूख जाता है, तो फिर कूट कर उसे पानी में भिगोया जाता है, फिर उसको इस पे सूखने के बाद लगाते हैं, फिर रंगते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बनाए जाते हैं। और ये बताते हैं, मतलब जो मुझे पता है कि लगभग 1966 में यहाँ पे नेहरू जी आए थे और उनको ये स्कल्पचर बहुत पसंद आया था। तो उन्होंने यहाँ पे, क्या नाम था मुझे नाम नहीं याद है, जिनको फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड दिया गया था, सुखराज प्रजापति। तो सुखराज प्रजापति जी थे, उनको नेहरू जी आए और उन्होंने अपने साथ उन्हें दिल्ली ले गए और दिल्ली में उन्होंने ये स्कल्पचर्स बनवाए, तो उनको नेशनल अवार्ड दिया गया। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, करीब 10-11 लोग हैं जिन्हें नेशनल अवार्ड मिला हुआ है ना। तो 10-11 लोग हैं इस गांव में जिन्हें नेशनल अवार्ड वगैरह मिला है और ये वर्ल्ड लेवल पे फेमस है ये आर्ट। और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे मनता है एक लालटेन बनाते हैं ना, वो कहाँ पे है? तो अभी मैं दिखाता हूँ। मैं बहुत पहले सोचता था, क्योंकि जब यहाँ पे ना फेस्टिवल वगैरह होता है तो फेस्टिवल में, मेले वेले में भी ये बहुत सारे स्कल्पचर्स लगते हैं बेचने के लिए और सब चीज़ों के लिए। और ये तो इसका प्राइस क्या होगा? 80 रुपये का। इससे बड़े में भी आता है? हाँ, इससे बड़े में भी आता है, ये 12 इंच का है। ओके, और ये 6 इंच का साइज है। वाओ, तो ये छोटे वाले का प्राइस क्या है? इसका 40 रुपये। तो बहुत पहले मैं सोचता था कि ये कैसे लूँगा मैं, तो देखते हैं आज अगर
कुछ अच्छा और पसंद आता है तो मैं यहाँ से एक दो चीज़ें खरीदूंगा अभी। कलर में ये सामान तो अभी भैया और दिखा रहे हैं हमें, देखते हैं। ये दरबान है। वाह, तो ये देखिए कितना खूबसूरत बनाया है, और ये प्रॉपर हाथ से ही बनाया जाता है, कोई भी मशीन या कोई भी सांचे का यूज़ नहीं करते हैं ये लोग, और पूरा हाथ के थ्रू ही बनाते हैं। बस एक वो क्या कहते हैं उसे, चाक। हाँ, तो ये है, अभी इलेक्ट्रॉनिक चाक यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो इससे पहले हाथ वाले चाक ही यूज़ करते थे। ये है, अभी तो ये चाक यूज़ कर रहे हैं, मोटर से चलता है ये, लेकिन पहले हाथ वाले चाक ही यूज़ करते थे और उसी पे बनाया करते थे। तो ये अभी टूट गया है ना ये। हाँ हाँ, तो ये है हाथ वाला चाक, तो पहले ट्रेडिशनली इस पे बनाया जाता था, अभी आजकल इलेक्ट्रॉनिक चाक यूज़ कर रहे हैं। वाह, ये देखिए कितना खूबसूरत है ये। ये देखो दोस्तों कितना बढ़िया बना रखा है, कितने बड़े बड़े साइज में है। वाह वाह, तो इसमें प्रॉपर पकाते भी हैं या बस देखने के लिए रखने? देखने लेने सकते हैं। अच्छा, तो ये क्या बात है, तो बहुत ही खूबसूरत काम कर रखा है। और ये देखिए कुकर बना रखा है, कितना बढ़िया है यार ये, सही है। वाह, ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया, ये सारे पकाए जाएंगे, अभी तो ये बना के रखे। तो दोस्तों अभी दिखा रहा हूँ, अभी पहले क्या था ना, अभी थोड़ा ऐसे ऑयल पेंट वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक ही कलर होता था, लेकिन थोड़ा अभी लुक और बढ़ा बढ़िया दिख जाए और अच्छा हो जाए, इसलिए ऑयल पेंट वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं। और मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये, तो ये सब अभी ऑयल पेंट किए हुए हैं। तो स्प्रे के थ्रू करते हैं या ब्रश से करते हैं? वो सोखता से। अच्छा, हाँ हाँ, क्या बात है, कितने खूबसूरत है ये, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यार। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमने खरीदा है, और एक हमने कछुआ खरीदा बड़ा सा, ये अंदर रखा हुआ पैक कर दिया इन्होंने। देखिए ये हमने यहाँ से ये लिया है, इसका प्राइस क्या बताया था आपने? 150। तो ये 150 का है, और इसका 80 का, 120 का है। ये 120 बता रहे हैं, इसका प्राइस जो है वो 120 है, और 150 इसका प्राइस है कछुए का। तो ये हमने दो चीज़ें यहाँ से ख़रीदी है अपने घर के लिए, बाकी आप सब आए देखें खरीदें। तो दोस्तों ये देखो, ये सामने जो मशीन दिख रही है ना, ये मिट्टी बनाने वाली मशीन है। इसमें मिट्टी को फिर बढ़िया सा मिक्स करता है, फिर वो ऐसा निकलता है, पूरा मिक्स होकर अच्छे से निकलता है, उसके बाद ये स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए लोग बनाने में लगे हुए हैं। तो ये देखिए कैसे इसमें प्रोसेस किया जाता है, क्या बात है। तो दोस्तों ये देखो, ये बता रहे हैं कि स्कूटर का कुछ कोई पार्ट है मीटर के पास का, उससे इसमें डिज़ाइन बना रहे हो, कितना अच्छे ढंग से बना रहे हैं। ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, मतलब इनका खुद का ये टूल्स है, सारा खुद से बनाया हुआ, और बहुत ही जल्दी से इतना बढ़िया सा डिज़ाइन बन जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
लगभग एक जैसा ही होता है, सब एक जैसा, लेकिन सबका थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन लगभग। और ये देखिए, ये कि ये टूल्स है इनका, इससे डिज़ाइन बना रहे हैं और कितना बढ़िया बना रहे हैं। ये देखिए, ये क्या बात है तो बहुत ही बढ़िया है, मज़ेदार लग रहा है, प्रोसेस भी देख के बहुत मज़ा आ रहा है इसको बनाने का। तो आप हमें भी सिखा सकते हैं? क्यों नहीं, आप टाइम देंगे, आएंगे, सीखेंगे तो, है ना। कितना टाइम लगेगा, मतलब एक स्कल्पचर बनाना सीखने में? लगभग अपने ऊपर है, जितना जल्दी सीख लीजिए, जैसे पढ़ाई होला जितना जल्दी पढ़ लीजिए, वही चीज़ है वो तो सही बात है। फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया कि कब तक? एक दो साल लग जाए। एक दो साल, अच्छा, प्रॉपर इस तरीके से बनाने में। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, होप करता हूँ आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ पर रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।